जरीपटका क्षेत्र में एटीएम मशीन फोड़ने का प्रयास करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों तक पहुंची पुलिस। नागपुर के जरीपटका क्षेत्र में महात्मा गांधी स्कूल के पास कैनरा बैंक का एटीएम फोड़ने का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को जरीपटका पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को नागपुर लाया गया है। गिरफ्तार आरोपी गुरमीत उर्फ समरजोत संतोख सिंह जलालाबाद पंजाब और सुखदेव सिंह पूरन सिंह फिरोजपुर पंजाब निवासी हैं। फरार साथी जुगाद सिंह मोहाली पंजाब निवासी की तलाश की जा रही है। आरोपी गुरमीत सिंह और सुखदेव सिंह की गिरफ्तारी से अंतर्राज्यीय एटीएम चोरों के गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। जरीपटका पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दोनों की 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड ली है। एटीएम मशीन को तोड़ने में एक्सपर्ट यह गिरोह पंजाब से विमान से सफर करता था। आरोपियों की धरपकड़ पुलिस परिमंडल 5 के उपायुक्त श्रवण दत्त व सहायक पुलिस आयुक्त संतोष खांडेकर के मार्गदर्शन में की गई है। थानेदार संतोष बकाल के नेतृत्व में उप निरीक्षक बजरंग खोमड़े, हवलदार दीपक, नायब सिपाही पंकज, सिपाही संतोष, सचिन शिवदत्त, प्रमोद मनीष, साइबर सेल के सिपाही उपेंद्र ने कार्रवाई की। गत 30 मार्च को आरोपी गुरमीत सिंह, सुखदेव सिंह और जुगाद सिंह ने गत 30 मार्च को जरीपटका में कैनरा बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया था। मध्य रात्रि में तीनों आरोपी एटीएम सेंटर में अंदर घुसे, गैस कटर से एटीएम को काटने का प्रयास किया, लेकिन किसी के आने की आहट सुनकर तीनों फरार हो गए थे। एटीएम मशीन फोड़ने का प्रयास करने की शिकायत बैंक कर्मचारी सैयद अली ने जरीपटका थाने में की थी। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच और जरीपटका पुलिस संयुक्त रूप से कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम पंजाब गई और आरोपी गुरमीत सिंह और सुखदेव सिंह को स्थानीय पुलिस की मदद से धर दबोचा। आरोपी जुगाद सिंह फरार हो गया। पकड़े गए दोनों आरोपी जुगाद सिंह के साथ नागपुर आने के बाद मानकापुर स्थित होटल ताज पैलेस में रुके थे। एटीएम मशीन फोड़ने में असफल होने के बाद तीनों सोनेगांव स्थित डॉक्टर आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान में बैठकर पंजाब चले गए थे। दिनांक 30/3/2023 रोजी पुलिस स्टेशन जरीपटकाला माहिती मिळाली की जरीपटका मार्केट मध्ये कॅनरा बँकेचे एटीएम ब्रेक झालेला आहे, तसंच एटीएम जळलेल्या अवस्थेत दिसत आहे व वास येत आहे। अशा माहितीवरून जे रात्रपोळीचा स्टाफ होता तो घटनास्थळावर गेला। त्यानंतर आम्हाला माहिती मिळाली, माननीय डी सी एफ साहेब, डीसी साहेब यांनाही माहिती मिळाली, माननीय वरिष्ठांना, ते घटनास्थळावर पोहोचले। त्यानंतर जी घटना झाली त्या संदर्भाने गुन्हा दाखल करण्यात आला। गुन्हा दाखल पुढील तपास केला असता जे गुन्ह्यात ऑक्सिजन सिलेंडर आणि गॅस सिलेंडर कटर वगैरे वापरले होते तर ते कुठून घेतले याचा नंबरवरून आपल्याला समजले की त्यानंतर आपण तिथं जाऊन विचारपूस केली असता आपल्याला असे असे जे फुटेजमध्ये दिसणारे लोक आहे हे सिलेंडरसाठी आले होते अशी माहिती समजली। त्याच्यानुसार आम्ही तांत्रिक मदतीने डमनाटा तसेच सी डी आर काढून माहिती घेतली असता आपल्याला समजलं की जे तो आरोपी आहेत याच्यामध्ये तीन आरोपी आहेत सी डी सी सी टी व्ही फुटेजनुसार समजलं, तर त्याच्यामध्ये एक सरदार पण होते आणि असं प्रथमदर्शनी वाटत होतं। तर मग त्याच्यानुसार आपण तपास केला असता सदर आरोपी जे आहेत ते पंजाब राज्याचे असल्याचे दिसून निष्पन्न झाले। तर ते त्याच्यामधील एक आरोपी 20 तारखेला आला होता, त्यानंतर दुसरा आरोपी 23/3 आला होता आणि तिसरा आरोपी घटनेच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 29 तारखेला आला होता। असे म्हणून तीन आरोपी आले होते। त्यानंतर त्यांनी एटीएम ब्रेक करण्याचा प्रयत्न केला आणि ते तत्काळ विमानाने परत दिल्लीला निघून गेले। त्यानंतर आम्ही पुढील माननीय वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास केला असता ते आम्ही पंजाब राज्यात 8 ते 9 दिवस फिरून त्यांना मोहाली पंजाब येथून ताब्यात घेतले आणि पुढील तपास केला। आरोपीचं नाव आहे गुरमीत उर्फ समरजोत संतोख सिंग, वय 36 वर्ष, राहणार कोठले रोड, मुकतसर साहेब, पंजाब। और दुसरा आरोपी आहे सुखदेव पुराण सिंग, वय 23 वर्ष, राहणार सदुस शाह वाला, जिल्हा फिरोजपूर, राहणार पंजाब। आणि तिसरा आरोपी आहे जुगाद नावाची सम, हा मोहाली पंजाबीतील आहे। असे मिळून तीन आरोपी आहेत। त्याच्यामधील दोन आरोपी गुरमीत आणि सुखदेव अरेस्ट आहेत। जुगाद नावाचा इसम जो आहे तो आणखी अरेस्ट होणे बाकी आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठाण, बीसीएन न्यूज, नागपूर।